guys, welcome back to 88 TV and thank you for stopping by for another video. आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ लक्ष्मी बॉम्ब का एक मूवी, या लक्ष्मी, ये जो कोर्ट केस था उसमें लक्ष्मी बॉम्ब से लक्ष्मी किया, तो वो बाद में विल कंसिडर डेट लेटर. पहले हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी. ये सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है. आपको पता ही है कि आज 9 नवंबर है और आज के दिन वो रिलीज हुआ है हॉटस्टार पे. सो आप देख सकते थे ऑब्वियसली हॉटस्टार प्लस डिज्नी. सो बेसिकली व्हाट इज़ माय ओपिनियन अबाउट इट. पहले मैं बताने वाला हूँ कि मुझे ये मूवी का जो स्टोरी जो है वो पहले ही पता था, मतलब जो मेन प्लॉट था, क्योंकि ये जो मूवी है वो रीमेक था एक तमिल साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम था कंचना, ऐसे मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग आया तो सॉरी. और अगर आपको पता ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मूवी देखेंगे क्योंकि अक्षय कुमार है इस मूवी में, लक्ष्मी में. और मेन जो रीज़न है, अगर आपको डायरेक्टर और दूसरे एक्टर्स का के बारे में जानना है तो आप विकिपीडिया के पेज पर जा सकते हैं. मैं यहाँ पर वो बताने है. मैं बेसिकली मूवी के बारे में बताने वाला हूँ. पहले मुझे बताना है कि बॉलीवुड क्यों साउथ इंडियन मूवीज से जो प्लॉट स्टोरी लाइन है वो लेते हैं, मुझे पता नहीं. व्हाई इज़ दे कॉपिंग. बॉलीवुड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो फिल्म इंडस्ट्री है, मे बी हॉलीवुड नंबर वन है लेकिन बॉलीवुड डेफिनेटली सेकेंड होगा ही. और हमारे मतलब हम लोगों के पास कोई भी अच्छा स्टोरी राइटर ऐसा नहीं है कि एक अच्छा सा स्टोरी बनाए. क्योंकि अगर आपको पता है तो आप इतने दिनों में कौन कौन से मूवीज आए, इधर तो कॉपी हुआ है हॉलीवुड का या साउथ इंडियन का कॉपी है, नहीं तो एक बायोग्राफी है, बायोपिक है, मतलब किसी का जो है. एग्जांपल आपको MS धोनी या सचिन तेंदुलकर के बारे में पता ही होगा, उनका मूवीज जो है जो अब वो बायोग्राफी जिनका जो स्टोरी ऑलरेडी लोगों मतलब है अवेलेबल क्या ही. और अगर चाहे तो ऐसे हाउसफुल 4, राजस्त्री, मतलब जो कंटिन्यूएशन ऑफ ऑलरेडी एक मूवी पर फ्रेंचाइज पे. तो लेकिन ये क्यों होता है, मतलब क्यों लोग ऐसा करते हैं. मतलब बॉलीवुड तो हर स्टारों से भरा होना चाहिए, ये क्यों होता है ऐसा. आई डोंट नो व्हाट टू से. लेकिन ओके, रहने दो, हम लोग मूवी के बारे में बात करते हैं. लक्ष्मी मूवी बेसिकली, अगर आपको पता है, इफ़ यू वांट टू नो, इट्स लाइक यू नो अ हाई बजट कंचना मूवी का ही कॉपी है. सिर्फ यहाँ वहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो है होता है, मतलब स्टार और है, मतलब स्टोरी लाइन सेम है, कंप्लीटली सेम है, हर सब कुछ सेम है. अगर आपको प्लॉट पढ़ना चाहिए जो विकिपीडिया पेज में नहीं मिलेगा, कंचना का विकिपीडिया पेज खोलो, आपको पूरा प्लॉट मिल जाएगा, मतलब मेन जो प्लॉट है. ऐसा क्यों कर लेते हैं पता नहीं, लेकिन जो है वो है. मुझे तो ये मूवी तो इस कॉपी होने के कारण मुझे मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब ओरिजिनलिटी नहीं था उसमें, एक एडॉप्टेड फिल्म हो सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन ओवरऑल अक्षय कुमार और दूसरे जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपने काम को जस्टिस देते हैं. ये एक नो स्पॉइलर वाला रिएक्शन है, मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा कि क्या हो जाता है इसमें, ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं. सो आप बेसिकली मैं ये सुन के आप मूवी देख सकते हैं, डोंट वरी, मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा. इट्स अ ओके एंटरटेनिंग फैमिली फ्रेंडली तो ज़रूर है. बुर्ज खलीफा वो गाना भी अच्छा है, आई वुड लाइक टू से गाना अच्छा है, जो दूसरे एक्टिंग भी कॉमेडी भी थोड़ा है. जोश मीन्स इट्स बेसिकली हाई बजट कंचना मूवी, सिर्फ यही जो है प्रॉब्लम है. मतलब सब कुछ अच्छा है लेकिन जस्ट हाई बजट है. ओवरऑल एक्टिंग, अगर अज्यूम करते हैं कंचना मूवी नहीं था, ओके, अज्यूम करते हैं कंचना मूवी वॉज नेवर क्रिएटेड, और अगर ये मूवी आया था तो बहुत मज़ेदार मूवी है, देखने हर किसी को देखना चाहिए ये मूवी, बहुत अच्छा है. लेकिन ये कॉपी है इसलिए मुझे सिर्फ ओवरऑल मुझे मूवी बहुत पसंद आया एक्चुअली स्पीकिंग. अगर कंचना मूवी को हमने एलिमिनेट किया, अज्यूम करते हैं कंचना मूवी नहीं था, तो इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी. ओवरऑल मेरा जो मैं 7/10 दूंगा मूवी के लिए,
सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. आपने अंत इतने तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू फॉर मोर अपकमिंग ADZTE वीडियोज. अपने हमारे दूसरे वीडियोज जो है आप देख सकते हैं. और इतने में वीडियो समाप्त. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. सी यू फॉर मोर वीडियोज कमिंग सून. गुड बाय. टेक केयर.